ब्रिज उत्सव सखी क्लब द्वारा तीज त्योहार पर विशेष आयोजन किया गया। जी हां, आपको बता दें कि 27 जुलाई की शाम में ओशिवरा स्थित शादी मुबारक हाल के परिसर में ब्रिज उत्सव सखी क्लब द्वारा तीज त्योहार पर विशेष आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि इस तीज के कार्यक्रम में ट्रेडिशनल साड़ी और दूल्हा दुल्हन के परिधान में कई जोड़ों ने हिस्सा लिया और गेम में शामिल हुए। साथ हाउसी गेम का भी समावेश देखने को मिला, जिसमें जीतने वाली महिलाओं को सम्मान स्वरूप कई उपहार भेंट किया गया। बता दें कि यह तीज महोत्सव कई वर्षों से लगातार भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना सखी क्लब के अध्यक्ष निर्मला विनोद अग्रवाल, मंत्री कल्पना अजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रचना भारत अग्रवाल और उनकी टीम द्वारा किए गए अथाह प्रयास से सफल बनाया गया। बता दें कि इस दौरान कई सारे नए मेंबरों ने श्री ब्रज उत्सव सखी क्लब जुड़ अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। खास बात यह है, श्री ब्रज उत्सव सखी क्लब सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों की सेवा करना, संस्था के माध्यम से मेडिकल कैंप लगाना, तमाम ऐसे कार्य करते रहता है जिससे लोग श्री ब्रज उत्सव सखी क्लब के द्वारा किए गए सभी सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते नहीं थकता है। इसकी अध्यक्ष हूँ और आज के दिन हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होके सज धज के आते हैं। ये सुहाग के लिए मनाया जाता है त्यौहार और आज के ही दिन शिव पार्वती की शादी भी हुई थी और इसमें हम लोग ने सब कुछ रखा है, मेहंदी, नेल आर्ट, हाउजी वगैरह सब रखा है और हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं इसमें। हेलो, मैं कल्पना अग्रवाल, श्री ब्रिज उत्सव सखी क्लब की मंत्री। देखिए, अपने हिंदू धर्म में है कि तीज यानी कि
सुहागिन महिलाओं का त्यौहार होता है, शंकर पार्वती का भी हम लोग इसे त्यौहार कहते हैं। हम इसे बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। सखी क्लब हर दूसरे तीसरे महीने सोशल प्रोग्राम करता रहता है। अभी कुछ दिन पहले हमने अंध लोगों के द्वारा एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी का आयोजन किया था, जिसका नाम था एक शाम माँ के नाम, माँ की यादगार में हमने किया था। और इसी तरह हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम रेगुलर करते आए हैं, और बुज़ुर्गों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, हम सभी के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। और हम इसी तरह अगर हमें लोगों का प्यार मिला, साथ मिला, प्रेरणा मिली, तो हम आगे भी इसी तरह प्रोग्राम। आज की यंग जनरेशन इतनी बिजी है कि उसको शायद ना तो धर्म के बारे में बहुत जानने की जिज्ञासा है और ना वो जानना चाहती है। तो हम चाहते हैं यदि हम मनाते हैं तो हमारे बच्चों पे उसका 10-20% तो असर आएगा। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी जानें तीज क्या होती हैं, त्यौहार क्या होती हैं, उन्हें किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह करे। अब वो हमसे कुछ भी थोड़ा लेती है तो हमारे सखी क्लब का प्रोग्राम पूरी तरह सफल हो जाए। मेरा नाम सरोज अग्रवाल है, मैं इस सखी क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये हमारे तीज का जो त्यौहार है, भारतीय परंपरा की से मनाया जाने वाला एक बहुत ही अनोखा त्यौहार है। इसमें हम सभी नारियाँ सज धज कर अपने पियर जाती हैं, माँ और भाभियों से लाड लड़वाती हैं। फैनी और घेवर इस त्यौहार के प्रमुख व्यंजन हैं। वनों में और बागों में जाकर झूला झूलती हैं और प्रकृति के आंगन में बहुत इंजॉय करती हैं। ये कार्यक्रम हमारी वृद्ध उत्सव सखी क्लब का है, जिसको कि हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये त्यौहार हर एक औरत की ज़िंदगी में एक नया उत्साह, उमंग, हर तरह से सजना संवरना, अपनी सखेलियों के संग उस त्यौहार को जीना, झूला झूलना, पीहर जाना, मिस पीहर में जाके भाभियों से लाड़ लड़ाना। हम अपनी भतीजियों को, बहनों को लाड़ लड़ाते हैं। इस दिन और भी बहुत सारी चीज़ हुई हैं जो कि मान्यता रखती हैं। इस दिन शिव और पार्वती का भी विवाह हुआ है, और इस दिन शिव और पार्वती की पूजा भी की जाती है, जो कि हमको सौभाग्य का वरदान देते हैं। हमारे यहाँ ये त्यौहार, तीजों का त्यौहार, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और सब लोग इस त्यौहार को बहुत एंजॉय करते हैं। ये हमारी क्लब का, मतलब सखी क्लब का सबसे अच्छा, और सब वैसे सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये हमारा प्राइम प्रोग्राम है जिसको हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आज भी प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसमें मेहंदी लगाना, नेल पेंटिंग लगाना, उसके बाद में आप समझिए ढोल ताशे, उस पर डांस करना, गेम खिलाना, हाउजी खिलाना, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में आके सभी बहुत 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 एंजॉय करते हैं, सबको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम रचना अग्रवाल है, और हम ब्रिज उत्सव सखी क्लब की सारी महिला सदस्या है, उनमें से मैं जो हूँ वो यहाँ की कोषाध्यक्ष हूँ। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है तीजों का, वो बहुत जोर शोर से हो रहा है। हम सारी महिलाएं हैं, बहुत ही उत्सुक है। हालांकि तीज को थोड़ा सा टाइम है, लेकिन हमारी सेलिब्रेशन अभी से स्टार्ट हो गई है। आज हमने वेन्यू चेंज किया है, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो शादी मुबारक में है, और यहाँ की सज धज देख के लग रहा है सारी महिलाएं बहुत ही बहुत खुश होंगी। ये कार्यक्रम जो है महिलाओं का, वो सबको इतना पसंद आता है, सजने संवरने का यही एक मौके आते हैं जब हम त्योहारों पे सज संवर सकते हैं, और सारी महिलाएं बहुत ही खुश हैं। थैंक यू।